और उसको भी ऐसा काम देना है कि वो डेली जो है ना बिजी रहे इब्राहिम में और अपने काम में। अभी कौशल से नया बिज़नेस स्टार्ट कराना है, तो वो भी किसी काम काज में लग जाए ताकि वो भी फारिग ना बैठी रहे और कुछ ना कुछ इनकम आती रहे। उसको भी ऐसा काम देना है कि वो डेली जो है ना बिज़ी रहे इब्राहिम में और अपने काम में। अगर वो सारा दिन काम में मसरूफ़ रहेगी और यूट्यूब नहीं देखेगी ना, तो फिर ये लड़ाई झगड़े कुछ भी नहीं होंगे। सारे लड़ाई झगड़े की फसाद की जड़ जो है ना ये यूट्यूब है। जब बंदा फारिग बैठा होता है, कोई काम भी नहीं होता ना, तो वो यूट्यूब देखता रहता है और हर तरह की वीडियोस आती रहती हैं, तो फिर उसका मुंह जो है ना अजीब सा हो जाता है, गुस्से वाला हो जाता है और लड़ाई झगड़े वाला हो जाता है। तो इससे बेहतर है कि बंदा अपने काम में बिज़ी रहे और किसी को ना देखे, तो फिर जो है ना काम चलता रहता है। आयत और मुस्तफ़ा की साइकिल जो है वो ठीक है, और तैयबा की साइकिल का जो टायर है वो ख़राब हो गया। ये देखे ना, रिम से भी उतर गया है। तो अभी जाके मैं ये दिखा के आता हूँ, अगर टायर नया डलेगा तो टायर नया डलवा देंगे, वैसे ट्यूब भी ख़त्म होगी क्योंकि पंचर हो रही है बार बार। इनके लिए ना मैं न्यू पंप भी लेके आया था, ये देखें, जब भी थोड़ी बहुत हवा कम होती है तो भर लेते हैं। और ये पुराना वाला पंप है, ये भी ठीक है, बट इसका जो ऊपर हैंडल है ना, ये वाला जो होता है ये निकल गया बस, बाकी ये पंप भी ठीक है और ये तो नया लेके आ गया था। अभी मैं और रमज़ान जा रहे हैं तैयबा की साइकिल लेके, तैयबा की साइकिल भी देनी है ठीक कराने के लिए, और गंदम जो है वो भी लेके जा रहे हैं पिसाई करवाने के लिए। तो गाड़ी का मैंने ट्रंक खोल दिया और रमज़ान जो है गंदम लेके आ गया। शाबाश शाबाश, चलो 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 चलो, रखो आराम से। तैयबा की साइकिल आ जाएगी ना, चलो वो भी ले आओ, इसके अंदर रख देते हैं। तो तैयबा की साइकिल भी लेके जा रहे हैं इसका टायर ठीक करवाने के लिए। इसका टायर जो है खराब हो गया, देखो ना रिम से भी उतर गया। नहीं वो पता क्यों उतरा, ये चलाती थी, चलाते रहे तो वो उतर गया, प्लेट थी ना, प्लेट की वजह से। आ जाएगी या नहीं आएगी, अंदर सीट पे डालनी पड़ेगी इसको। ले आओ फिर, तैयबा की साइकिल ले आए कारीगर के पास। तो तैयबा की साइकिल पे जो है खोला हुआ है और इसकी ट्यूब जो है ना, ये ट्यूब खराब है और यहाँ से जो है ना इसका बड़ा पंचर है, तो इस वजह से पूरी ट्यूब जो है वो चेंज करानी पड़ रही है, न्यू ट्यूब डाल रहे हैं। साइकिल का टायर जो है ना वो ठीक है, दोनों टायर ठीक है, ये तो वैसे भी ठीक था, पंचर नहीं था, बस पीछे वाला टायर जो था ना वो पंचर था। और रमज़ान को मैंने भेजा था कि आप जाएं गंदम का थैला जो है ना चक्की पर रख के आ जाएं। कितनी देर में मिलेगा? शाम को 5 बजे। शाम को 5 बजे, शाम को 5 बजे, चलो ठीक है। साइकिल भी ठीक हो गई, उसकी ट्यूब जो है ना ख़राब थी, ट्यूब खराब थी ना। और यहाँ पर पिसाई कितना ले रहे हैं? 780 रुपये। 780 रुपये, वज़न कितना है? 52 kg, 1 मन 12 किलो। चलो गांव में तो 150 पता नहीं 200 लेते हैं। तैयबा की साइकिल जो है वो रेडी हो गई है, बस रमज़ान इसको ट्रंक में रख रहा है, तो अभी हम चलते हैं घर की तरफ। और मेरे दूसरे घर का जो पंखा है ना वो भी ख़राब है, तो उसको भी बनवाना है। अभी मैंने रमज़ान को कहा है कि आप लेके आ जाएं, तो ये मार्केट है ना यहाँ से, वो इसके बैरिंग ही डलने हैं, बाकी तो ठीक है, वहाँ से तो चलता हुआ उतारा है, बैरिंग ही ख़राब थे तो बैरिंग डलवाते हैं और फिर जाके फिट करके आएंगे। और ये पंखा है कुछ दिनों से उतार के रखा हुआ है, तो इस अभी ये रमज़ान को मैं दे रहा हूँ, तो रमज़ान जाके बनवा के आता है। रमज़ान और मैं हम दोनों जाएंगे तो ये पंखा लगा के, तो वापसी पर बच्चों को लेते हुए आएंगे। चलो रमज़ान ठीक है, हाँ ये गिफ्ट है आपके लिए, बैरिंग जाम हो गया, इसको बनवा के साथ ही ले आओ, ठीक है, पैसे ले लो। अभी मैं जा रहा हूँ बच्चों को स्कूल से लेने के लिए, सबसे पहले चलते हैं सेकंड हाउस और वहाँ पे जाके पंखा लगाना है। सामान सारा जो है पंखे का मैंने गाड़ी में रख दिया है, तो रमज़ान भी मेरे साथ जा रहे हैं। चलें गेट खोलें और ये देखें, ये पंखे का सामान, पंखे को फिट करने का सामान सारा मैंने गाड़ी में रख दिया है, और कौसर के यहाँ पर बर्तन भी थे वो भी लेके जा रहा हूँ। रमज़ान को मैंने भेजा है सामने स्टोर है, वहाँ से जामे शीरी और टैंग
और बर्गर बन जो है वो लेके आने, तो वो गया है सामने से ये सामान लेने के लिए। रमजान मिल गया सामान? मिल गया, लेकिन जामे श्री मिली टैंक नहीं यहाँ पे था। टैंक नहीं है? टैंक नहीं है मेरे पास। चलो जामे श्री तो मिल गई ना। हाँ, जामे श्री मिल गई और बर्गर बन मिल गए। बर्गर बन मिल गए, चलो अच्छे वाले मिल गए। चलो और चलो, ये बहुत अच्छे मिल गए। चलो जल्दी चलें फिर वापसी पर, बच्चों को भी लेना है। अभी हम घर पहुँच गए, रमजान ने दरवाजा खटखटाया और अभी विंडो को खटखटा रहा है। मैंने कॉल तो किया है, यहाँ पर सिग्नल का भी प्रॉब्लम है। तो चलें, ये हम घर के अंदर आ गए हैं और मोहम्मद इब्राहिम जो है वो सो रहा है। चलो रमजान स्टूल ले आओ, लकड़ी वाला, तो ये पंखा फिट करते हैं। चलो आपकी जामे श्री आ गई, यही कही थी ना? हाँ, ये वाली टाइम तो नहीं मिला और ये जामे श्री मिल गई है। अरे आप क्यों हंस रहे हैं? ये तो गिलू गिलू क्या हुआ है? निकर पहन रहे? चलो पहन ली पहन ली पहन ली। कूलर लगा हुआ है, बड़े मज़े से सो रहा है। हाँ, मज़े कर रहा है भाई, मज़े मज़े मज़े। हाँ, गर्मियों में जाता तो फिर पता लग जाता कि कितना गर्मी है गांव में। पंखे के बेंग जो है वो लगा दिए हैं, तो अभी रमज़ान जो है स्टूल के ऊपर चढ़ गया, तो अभी पंखा टांगते हैं। और कौशल को मैंने कहा कि आप मेरे लिए खाना बनाएं, खाना भी रेडी हो चुका है, किचन में रख दें, पंखा लगा लें तो फिर खाएंगे। खाना जो है वो रेडी हो चुका है और रमज़ान जो अभी तक पंखा लगा रहा है, बस पंखा लग गया है, स्क्रू लगा रहे हैं। बटन दबाओ। रमज़ान खाना खाएगा? हाँ, बटन दबाओ ना इसका। आ जाओ खाना खा लो जल्दी, आओ चेक तो करो। किसका? लौकी का, लौकी का सालन है, लौकी का सालन। चलो चलो बिस्मिल्लाह करो रमजान, खा के चले, स्कूल का भी टाइम हो गया है। कोई बात नहीं, बिस्मिल्लाह। चलो चलो बिस्मिल्ला। तो चलें जी, अभी मैं चलता हूँ सेकंड घर और मैंने साथ में कपड़े भी ले लिए, तो तैयार आई थी गेट बंद करने। चलो चलो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। तो मैं घर पहुँच गया हूँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं की निकाल लेता हूँ, ये लो एक मिनट, ये कपड़े रखो। इब्राहिम सो गया या जाग रहे? सो गया, इसको मैं लॉक कर देता हूँ। और इब्राहिम जो है वो सो रहा है, तो कूलर को मैं ऑन कर देता हूँ। आप किचन में क्या बना रहे हैं? हाँ, पानी गर्म कर रही हैं? क्यों? हाँ, अच्छा इब्राहिम के लिए। तो चले जी, मैं कपड़े जो है वो चेंज करता हूँ और अभी सोने की तैयारी करता हूँ। तो आज के वीडियो आपको ऐसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा कल। तब तक के लिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।